ये देखो भाई, इस दुनिया का 8वां अजूबा। दोस्तों आज तक आपने 7 अजूबे तो देखे होंगे, लेकिन हिंदुस्तान के एक कुम्हार ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देख पूरी दुनिया हैरान रह गई। ये कलाकृति पूरा हैंडवर्क है, इसके अंदर महाभारत बनी हुई है और ये जो आइटम है जो युद्ध के समय महाभारत के समय काम में लिया जाता है उसी का हिसाब से बनाया हुआ है। ये जो चैन बनी हुई है ये सिंगल पीस है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है। इसकी खास बात ये है, पूरी एक ही लकड़ी की बना दी आपने। ये खुलता है इसमें भीष्म पितामह, जहाँ पर भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। क्या बात है, इसमें द्रौपदी चीरहरण को दिखाया गया है। ये वीर अभिमन्यु ये गीता उपदेश 7 भागों से हमने खोला है, 7 सीन बनाए हुए। सर कितना समय लगा आपको ये बनाने में? ये बनाने में 7-8 महीने लग गए हम दोनों भाई। ये क्या कहानी है सर, इनके बारे में भी हमें थोड़ा बताइए। चंदन की लकड़ी से बादाम की शेप देके हाँ, और उसमें कलाकृति करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सरस्वती माता जी की एक मूर्ति बनाई गई है। सब में अलग अलग है, इसमें साईं बाबा है जी। लकड़ी को बादाम की शेप में बना लिया और बादाम की शेप बनाने के बाद में अलग अलग मूर्तियां भी बना दी इसके अंदर, और छोटी से छोटी भी कलाकृति दिखाऊं मैं आपको। जैसे ये बीज बनाए हैं इसके अंदर शिव जी। दोस्तों जहां पर इतनी बारीक मूर्तियों को नग्न आंखों से देखना मुश्किल हो जाता है, वहीं पर सर ने अपने हाथों से आंखें वगैरह को भी बड़ी शिद्दत से संवारा है। ये अंदर से ऊपर से ओरिजिनल है और अंदर से चंदन का बना हुआ है। ये कोकोनट ओरिजिनल जी, कोकोनट है। वाओ, इसके अंदर इन चीजों के बारे में सोचना भी मुश्किल होता है। एक तरफ गणेश जी का सीन है और दूसरी तरफ शिव जी का। ये मटर की फली है। ये भी चंदन की? हाँ। वाओ, मटर का उत्पादन खेत में होता है और ये जो लेडी है ये ऊंट को रस्सी से पकड़कर खेत की ओर लेके जा रही है और इसके आगे गाय और बकरी चल रहे हैं। ये वीणा है 3 फीट, इसके अंदर बज्जू बावरा तानसेन का इतिहास बनाया हुआ है। बीच में से दरबार खुला है, अकबर दरबार, तानसेन नवरत्नों में शामिल होते हैं, उसका सेन बनाया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारी ऐसी बारीक चीजें बनाई गई हैं, जैसे टेबल और टेबल के ऊपर मग वगैरह, इनको भी काफी अच्छे से दर्शाया गया है। और इसके और भी खुलती है इसमें? हाँ, ये भी 7 भागों से खुलती है। यहाँ पर दर्शाया गया है, ये जब तानसेन गाता था ना रामदास जी अपने गुरु रामदास साहब, तो नटराज भी जंगल से आके मतलब डांस करते थे पास में, हिरण में जंगल से, वो भी मतलब उनका संगीत सुन के आते थे पास में। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे इस वीणा के तारों को भी चंदन पर सर जी ने बड़ी शिद्दत से उकेरा है। ये तो सिंपल मूर्ति है, ये इसके अंदर भी कुछ खुलता है? नहीं, हर चीज फोल्डेबल है। ये राधा जी का स्टेचू है। हाँ, और इसके अंदर कृष्ण लीला बनी है, कृष्ण लीला। हाँ, ये घुंघरू जो लगा है, हाँ, जो हाथों के कंपन से हिल रहा है जी, इसकी एक एक जो कड़ी है जी, वो भी लकड़ी की बनी है। क्या बात है, कृष्ण जी सुदामा जी के पैर धो रहे हैं। ये गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया हुआ है, कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया हुआ है, उसे देखो ओंकली से बांध दिया, ओंकली से बांधा हुआ है। ये अपने फ्रेंड्स के साथ मक्खन की चोरी कर रहे हैं, गोपियां जब नारी होती हैं तो उनके वस्त्र पेड़ पे लटका देते हैं जी। वासुदेव जी कृष्ण जी को नदी पार कराते हुए दिखाया गया है, मतलब राधा जी की एक ही मूर्ति में पूरी कृष्ण लीला के सारे दृश्य आपने बना दिए हैं। हम मौजूद हैं राजस्थान के चुरू जिले में। अच्छा भैया जी, कोई आपसे इस टाइप की चीजें खरीदना चाहता है, क्या कॉन्टेक्ट नंबर होगा सर आपका? दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भैया जी के कॉन्टेक्ट नंबर एड्रेस वगैरह सारे ही मेंशन किए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।